मुझे सुन पा रहे हैं? हमारे साथ, हाँ जी हाँ जी, हमारे साथ आज जुड़े हैं प्रेमचंद्र जी। तो प्लीज गाइस सभी म्यूट कर लीजिए, कैमरा ऑन रखिएगा, बाकी सभी म्यूट करके रखिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी इनसे पूछना है आप लास्ट में पूछेंगे, ठीक है? प्रेमचंद्र जी अपने बारे में खुद बताएंगे, आपको सारी डिटेल देंगे, आपको जो भी डाउट है आप उनसे लास्ट में पूछ सकते हैं, बट उसके पहले सभी म्यूट करके रहिएगा। यस मैम। ओके यस, स्टार्ट करिए आप। जी तो सभी को प्रणाम, सुप्रभात। मेरा नाम प्रेमचंद सोनमेर है, मैं योगा इंस्ट्रक्टर आयुष डिपार्टमेंट छिंदवाड़ा। तो आज हमारी चर्चा का विषय होगा योगा, मेडिटेशन एंड प्राकृतिक जीवन शैली और नशा मुक्त जीवन, जिस पर हम कैंपेन भी चलाते हैं। तो यही हम सभी के जीवन में जीवन जीने की कला सिखाते हैं, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और आपको भी एक अच्छी जीवन पद्धति और जीवन जीने की कला, एक स्वस्थ जीवन के लिए हम कुछ नियम बताएंगे और जो हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं, करकर उसे एक स्वस्थ और आनंदमय जीवन को जी कैसे जीते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सभी मेरे साथ जुड़ेंगे, सब बैठ जाइए पद्मासन या जो भी जिस मुद्रा में बैठे हो आप, तो कमर सीधी करके और मेरे साथ जुड़ेंगे। हम योग से जुड़ रहे हैं, कैसे योग हमें जोड़ता है, योग का मीनिंग अपने आप में योग यानी जोड़ना होता है। तो हम मन, इंद्रियों और कर्म, किस तरीके से हम इन सब चीज से जुड़कर हम प्रकृति से जुड़ते हैं, योग यही हमें बताता है। तो सब मेरे साथ जुड़ेंगे एक प्रार्थना के साथ। हम कोई भी योग सेशन स्टार्ट करते हैं तो प्रार्थना अच्छे विचारों के साथ। तो सभी आईज क्लोज करके सांसों पे ध्यान लगाएंगे। शर्वे भवन्तु सुखिना, शर्वे सन्तु निरामया, शर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। हे ईश्वर, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को मसाज करते हुए अपने चेहरे पे अपनी बॉडी को सहलाते हुए स्लोली स्लोली आईज ओपन। इस तरीके से हम मन को एकाग्र कर हम योग के बारे में जानेंगे, क्यों आज वर्तमान जीवन शैली में योग हमारे लिए कितना जरूरी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो योग हमारा शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास कैसे करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। योग अगर हमारे जीवन में उतरता है तो हमें नेचर से जोड़ता है, क्योंकि हम प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाए हुए लोग हैं, भारतवर्ष से जाना जाता है। आज हम मॉडर्ननेस जो आया है, आज पाश्चात्यता हमारे साथ जुड़ गई, हमने अपनी जीवन पद्धति बदल दिए, जीने का तरीका बदल दिए समय के साथ। हम विदेशी संस्कृति को ज़्यादा अपनाते गए और अपनी चीज़ों को भूल गए। योग हमें उसी दिशा में ले जाता है, हमारी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन धरोहर की ओर, कि हम किस तरीके से हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनि शिक्षा केंद्र में योग के माध्यम से अपने शिष्यों को तैयार करते थे और उनमें 16 संस्कार विकसित करते थे, उन्हें चरित्रवान, प्रज्ञावान, योगवान बनाते थे किस तरीके से। तो आज उसी दिशा में हमें चलना है,
तभी आज हम अपने आप को निखार पाएंगे और बना पाएंगे और हमारी जो मानसिक विकृति है उसे सुधार पाएंगे। कहीं ना कहीं आज वर्तमान परिवेश में जो घटनाएं घट रही है, सब कुछ करने के बाद भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों इस तरीके की घटनाएं हो रही है। कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। तो यही सब हमें योग कैसे दिलाता है हम इसमें जानेंगे। योग अपने आप में एक जीवन जीने की कला सिखाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसे हमें जीवन में आत्मसात करना है, इसे अपनाना है। और योग जब जीवन में उतरता है तो ऐसा लगता है पूरा परिवर्तन, पूरी कायनात बदल गई हमारे लिए। जब हम योग से जुड़ते हैं तो योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि, यानी व्यक्ति को एक सूक्ष्म शरीर से, यानी स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर ले जाता है योग। आत्मा को परमात्मा से मिलाता है योग, यानी एक आध्यात्मिक पद्धति है। रोग मुक्त जीवन जीने की कला है, कैसे हम इससे व्याधियों से मुक्त और समाधि युक्त जीवन की ओर बढ़ते हैं। तो योग में हम उत्तर उत्तर प्रगति करते हुए एक एक चीजों को सिद्ध करते हैं। कि जैसे हम जब योग स्टार्ट करते हैं शुरुआत में, तो लोगों का सामान्य सा मानना है कि ये एक व्यायाम बस शारीरिक एक्सरसाइज है, बस इतना ही लोग जानते हैं अधिकतर कि योग शारीरिक एक्सरसाइज बस है। लेकिन जी इससे कहीं ऊपर है योग। आर यू मुझे सुन पा रहे हैं? यस 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 प्रेमचंद जी, तो ये प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट योर सेल्फ। यस मैम, मैं म्यूट हूं, म्यूट करियो कभी। कंटिन्यू। तो जब हम योग में सबसे पहले हम आसन, प्राणायाम और ध्यान की बात करते हैं, क्योंकि ये तीन चीज हमारे लिए जो बहुत जरूरी है सामान्य जीवन के लिए। बाकी चीजें तो वो जब हम आगे जैसे जैसे इन चीजों में सिद्ध होते जाते हैं तो वो चीजें अपने आप आते जाती हैं। तो हम आसनों की बात करते हैं। अगर डेली हम एक्सरसाइज जो करते हैं व्यायाम, तो उसी में हम आसन करते हैं। व्यायाम और आसन में डिफरेंट होता है, अंतर भी है कि व्यायाम तीव्र गति से किया जाता है, आसन आरामदायक स्थिति में किया जाता है। व्यायाम में अपने श्वास की गति तीव्र होती है, आसनों में श्वासोश्वास की गति सामान्य होती है। आसनों में हम किसी यानी सुख पूर्वक बैठने को ही आसन कहते हैं। तो और इसमें फिर तरह तरह की जो मुद्राएं होती है, योग शास्त्रों में कहा गया है कि मानव की जितनी योनियां हैं उतने प्रकार के आसन होते हैं। जैसे 84 लाख योनियों का वर्णन है हमारे धर्म ग्रंथों में, तो उतने ही प्रकार के आसन है। प्रकृति के हर एक रूप को आसनों में देखा गया है। तो आसनों से हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जो अनावश्यक चीजें हमारे पेट फेट चर्बी वो चीजें, एक बॉडी को आकार मिलता है जैसा हम चाहते हैं कि लोग खूबसूरत बनना, सुंदर दिखना, तो वो आसनों से हमें मिलता है। हमें एक बॉडी में संतुलन हमारा उत्पन्न होता है। और जब हम आसन करते हैं तो आसन का हमारे शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी हमारा विकास होता है। हमारा शारीरिक ही नहीं, शरीर को ही नहीं सुधारता, हमारे मन को भी सुधारता है। हमारा मानसिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक विकास भी होता है। और इसके बाद हम आते हैं प्राणायाम। प्राणायाम को जब हम करते हैं, प्राणायाम प्राण धन आयाम, प्राण धन आयाम दो शब्दों से मिलकर बना है प्राणायाम, यानी प्राण जीवन, आयाम विकास ऊर्जा, यानी जीवन शक्ति का विकास प्राणायाम है। प्राणायाम
एक के श्वासोश्वास की क्रिया है, यानी श्वास लेने की कला। हम कैसे सामान्य श्वास तो लेते ही है, लेकिन एक प्राणायाम हमें एक विशेष प्रकार की पद्धति देता है। हम जो प्राणवायु को ग्रहण कर रहे हैं ऑक्सीजन रूप में, उसे ही हम कैसे ले और किस तरीके से छोड़े, वही चीज प्राणायाम के माध्यम से हम सीखते हैं। इसमें जैसे हम अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ऐसे जो प्राणायाम है जो हमारे अंदर जीवन शक्ति का विकास करते हैं, क्योंकि प्राण के बिना जीवन मृत है। अगर प्राण वायु हमारे शरीर में है तो हम चलायमान हैं, हम जीवन को जी पा रहे हैं। आज हमारा जीवन जो है प्राण वायु से ही संचालित हो रहा है। आपने कोरोना काल में देखा, महामारी के दौर में, कि सबसे ज्यादा कमी ऑक्सीजन की गई लोगों को। अधिकतर जो डेथ रेट बढ़े, ऑक्सीजन की कमी, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। और क्यों हमारे ऑक्सीजन का लेवल घटा? वही चीज हम प्राणायाम से हम अपने अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है जब हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम, जो आपने सामान्य स्थिति में जो देखते हैं, बाएं नजर से लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, फिर दाएं से बढ़ते हैं, बाएं से छोड़ते हैं, यही क्रम हमें 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट जितना हम बढ़ाते जाएं, तो हमारे आंतरिक सभी ऑर्गन पुष्ट हो, ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है प्राप्त होती है। भस्त्रिका है, इसे सभी प्राणायाम से हमें फायदे ही होते हैं। फिर हम आते हैं ध्यान पे। जब हम ध्यान तो मन को एकाग्र करने की, मन मस्तिष्क, क्योंकि आज जो वर्तमान जीवन शैली है एकदम विकृत हो चुकी है। हम इतने तनाव स्ट्रेस में हर प्रकार से, हर एक चीज का जो सामान्य जीवन चलता है तो बहुत कुछ घटता है जीवन में। तो इस जीवन सुंदर और आनंदमय बनाते हैं जब ध्यान हमारे अंदर एक स्थिरता लाता है, हमको एकदम शांत करता है, थॉटलेस। उसमें हम थॉटलेस ब्रीदिंग ही लेते हैं, डीप ब्रीदिंग में थॉटलेस ब्रीदिंग, और उसी के साथ हम जुड़ते हैं। आवाज नहीं आ रही है? जब हम प्राणायाम में आंखें को बंद करके अपने मन को एकाग्र करके जब किसी एक चीज पे ध्यान लगाते हैं, चाहे वो हम अध्यात्म की ओर चले, तो हम जिस चीज को, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उसका स्मरण करते हुए ध्यान कर सकते हैं, या प्रकृति को, जो नेचुरल पावर जो हमें मिलता है, हम उसके माध्यम से, हमारे चक्रों पे भी ध्यान किया जाता है, हमारे मूलाधार से शास्त्रार्थ तक 7 चक्रों का वर्णन मिलता है कि मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र नाभि में होता है, अनाहास चक्र हृदय चक्र कहते हैं इसे, विशुद्ध चक्र कंठ में होता है, और आज्ञा चक्र भोह के मध्य में माथे पे तिलक स्थान पर आज्ञा चक्र होता है, और शास्त्रार्थ। तो इन्हीं माध्यमों से हमारी जीवन ऊर्जा चलती है, इनसे हमारी जीवनी शक्ति का विकास होता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ योग में है और योग ही हमें बताता है। योग एक साधारण मानव को कैसे महामानव बनाता है उसके बारे में बताता है कि व्यक्ति जब सामान्य जन्मता है उसी प्रोसेस से सभी का जीवन सामान्य होता है, लेकिन सब अपने आप में अद्भुत होते हैं। सब में कहते हैं कि ईश्वर ने कुछ विशेष दिया है, और सभी के अंदर वो तत्व होते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से रचा शरीरा, ये 5 तत्व जो हमारा शरीर बना है और अंत में हमें इसी में मिलना होता है। तो इन्हीं चीजों से हमें
जोड़ता है और इन्हीं चीजों से हम जुड़ते हैं, और यही इन्हीं तत्वों में जब उतार चढ़ाव आता है तो हमारे शरीर में व्याधि आती है, दोष आते हैं प्रकृति से। तो हम अच्छे विचारों के साथ इन्हीं चीजों से जुड़ते हैं। तो इसमें यम और नियम होते हैं, पांच यम है और पांच नियम है, इनको साधे बिना हम योग को नहीं साध सकते। पांच यम सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पांच यम होते हैं जिसे हम अपने जीवन में एक एक करके फॉलो कर सकते हैं। और पांच नियम होते हैं शोष संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम होते हैं जीवन के लिए। इन नियमों के माध्यम से हम व्यवहारिक जीवन सामाजिक जीवन बहुत अच्छा जी सकते हैं। हम जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं वो चीज प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को सिद्ध कर सकते हैं। हम जहां तक पहुंचना चाहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अगर हम इनका अपने जीवन में उपयोग करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, तो जब सामान्य व्यक्ति भी, आपने देखा है कि हमने अगर किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना चाहा है, जैसे अरुणिमा सिन्हा को आप जानती हो, एक पर्वतारोहण है और माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी को फतह करी है, एक अपाहिज विकलांग होके भी वो वहां तक पहुंच सकती है। तो सोचो हम किसी भी प्रकार से अधूरे नहीं है, कंप्लीट है, हम हर वो चीज पा सकते हैं। बस अपने आप को हमें बनाना, उस ओर ले जाना, एक सार्थक विचारों के साथ हमें उस दिशा में बढ़ना है। क्योंकि हमारा हम जो है अपने विचारों से ही बने होते हैं, क्योंकि एक विचार हमें वहां तक पहुंचाता है। तो हमें इन्हीं विचारों को सार्थक करना है, जिसमें अवरुद्ध होता है हमारा मन जो हमें भटकाता है। तो हमें मन को स्थिर करना है, क्योंकि मन का भोजन क्या है, विचार है, वो विचारों का भोजन। अगर उसे जिस तरीके से हम पोषित करते हैं वो उस तरीके से बनता है। हम अच्छे विचार डालेंगे तो वो अच्छी दिशा में ले जाएगा, बुरे विचार डालेंगे तो बुरी दिशा में ले जाएगा। तो हमें मन को कंट्रोल करना है, तो मन को हम योग से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इंद्रियों को वश में करने का कॉन्सेप्ट सिर्फ योग में है। मन को चलायमान रखती हमारी पांच इंद्रियां होती है, पांच ज्ञान इंद्रियां होती है और पांच कर्म इंद्रियां होती है। तो जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं वो बहुत मन पर जो उस मन रूपी घोड़े को चलाती है, उसे दिशा भ्रम कराती है, तरह तरह की चीजें दिखाती और हम उस ओर भाग जाते हैं, हमारी मानसिकता को विकृत बनाती है। जैसा कि वर्तमान परिवेश में लोग तरह तरह की जो गलत हरकतें और गलत चीजों से जुड़ रहे हैं, हर प्रकार की, कि उन्हें वो चीजें अच्छी लगने लगती हैं जो कई चीजों में बुराइयां हैं, लेकिन लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि वो बहुत अच्छी चीजें हैं, और हम उस ओर भाग जाते। तो इसी मन को हमें स्थिर करना है, वही हमें, वो हम किस माध्यम से कर पाएंगे, तो योग से। योग हमें मन को कंट्रोल करता है, मन शरीर और आत्मा सभी को हमें जोड़ता है, कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और एकदम शांत होके उस चीज को, जब हम गहराई के साथ ठंडे दिमाग से वो चीज को महसूस करते हैं, तो एक वेलनेस आती है, एक वेलनेस। जब हम पूरी प्रकृति से जुड़ते हैं, हम एक योग हमें प्रकृति से भी कैसे जोड़ता है वो चीज भी हम बताएंगे। एक दूसरे से सब कनेक्ट हैं, कैसे हम नशा से मुक्त होते हैं, तो यही जीवन शैली एक दूसरे से जुड़ी, हम एक चीज को सिद्ध करते हैं, एक दूसरे के पूरक है सब। जब हम योग करते हैं तो डेफिनेटली हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं। अब हम प्राकृतिक जीवन पे बात करेंगे कि हमारा प्राकृतिक जीवन कैसा हो, हमारा आहार विहार कैसा हो। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भक्ति दुखा। कैसे हमारे सारी क्रियाएं नियंत्रित हो, हमारा आहार विहार उपयुक्त हो,
आज हम फास्ट फूड जंक फूड जिस तरीके का आहार विहार रख रहे हैं, कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, तो हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हम आज से लोग जब पहले जो प्राचीन जीवन पद्धति थी, लोगों की जीवन प्रत्याशा कितनी लंबी थी, लोग शतायु हुआ करते थे, 100-100 साल जीते थे। कभी सोचा है कि वो कैसे जीते थे, उनका जीवन इतना लंबा कैसे होता था, इस विषय पर कभी विचार किया है? क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े थे, नेचर से जुड़े थे। हमारा आज वर्तमान में हम पाश्चात्यता के चलन में इतना कुछ बदल गया, हमारा खान पान, सोना, जागना, उठना, बैठना, हर एक चीज को हमने बदल दिया है, बिल्कुल विकृत हो चुके हैं। यही हमारे जीवन को मिटाता जा रहा है। हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छी लाइफस्टाइल में आ रहे हैं, हम जितने आधुनिक हो रहे हैं बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं। प्रकृति हमें जोड़ती है, प्रकृति हमें नेचुरल चीजों से हमें कनेक्ट करती है। अगर हम उससे नहीं जुड़ेंगे तो हम जीवन को नहीं जी पाएंगे। आज जो घटनाएं घट रही हैं, प्रकृति जो कहर ढा रही है, हम क्योंकि प्रकृति से विमुख हो गए हैं इसलिए सारी चीजें आ रही हैं। प्रकृति को जिस तरीके से नुकसान पहुंचा के हम उसका दोहन कर रहे हैं और उससे विमुख हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक ही है। अगर हम इस संसार को भोगना चाहते हैं तो हमें एक अच्छा जीवन जीना होगा, और अच्छा जीवन हमें प्राकृतिक जीवन शैली से ही मिलेगा। जिस तरीके से हम हर मौसम में मौसमी चीजें खाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने वो चीजें बनाई ही हमारे लिए है, रचना उस तरीके से करी, लेकिन समय बदला, हम फास्ट फूड, जंक फूड और केमिकल युक्त खान पान की ओर बढ़ने लगे। इससे हमारा शरीर रोगों से ग्रसित होने लगा, व्याधियों ने घेर लिया हमें, तरह तरह की बीमारियां, जो चीजें हम जानते नहीं थे, जिन बीमारियों का कोई उल्लेख नहीं था, वो बीमारियां हमें मिला रही है, वो बीमारियां आ रही है। आप देख रहे हो वर्तमान जीवन पद्धति में कि किस तरीके की बीमारियां आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति से दूर हुए हैं, उसी का परिणाम हमें वो चीजें मिल रही है। तो हमें प्रकृति से जुड़ना है, हर मौसम के अनुसार हमें जीवन जीना है। बरसात में मौसमी फल, ऐसा नहीं कि अति की मौसम उसी फल को खाया जाए, किसी भी चीज की अति घातक होती है, लेकिन एक मौसम में सामान्य सी चीजें जिस तरीके से मौसम देता है उसी तरीके से मौसम को एक्सेप्ट करना चाहिए और प्रकृति के अनुसार और प्रकृति के साथ चलना चाहिए। तो एक ये भी जीवन जीने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप अपने जीवन में इसे अपनाते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा जीवन होगा। और हम बात करें कि नशा मुक्त जीवन, आज के चलन में यंगस्टर में एक चीज आई है कि नशा के प्रति बहुत आदि हो गए हैं। नशा ने लोगों के आचार विचार और व्यवहार को बदल दिया है, परिवारों को तोड़ दिया है, कई परिवार इस चीज से भुगत रहे हैं, कई इससे ग्रसित है, कई परिवारों में नशा के वजह से टूटन आ गई। तो ये एक हमारे भारतीय समाज की सबसे बुरी मानसिकता ये बन गई है। और यंगस्टर में आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं कि ऐसी चीजें परोसी जा रही है, कई प्रकार हम जिस चीज में हमें जीवन लिखा है उस चीज की ओर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिस चीज में मौत लिखी है उस चीज की ओर हम बढ़ रहे हैं। आप देखते हैं सिगरेट के पैकेटों में, गुटखा पाउचों में लिखा है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, सेहत के लिए, फिर भी हम उस चीज को, ये हमारे लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि उस वो बता रहा है, लिखा है, फिर भी हम उसको ले रहे हैं। यहाँ तो हमारी शिक्षा भी फेल है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम उसको पढ़ने के बाद भी उस चीज को ग्रहण कर रहे हैं। वो कह रहा है, वो तो ये बोल के टैग लगा के निकल जाते हैं कंपनी वाले कि हमने तो बता दिया है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी पब्लिक ले रही, लोग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये शोर भी ध्यान देना है, सोचना है कि क्या हम इतने निकृष्ट हो गए हैं कि हमारी मानसिकता हम नशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उसे स्टैंडर्ड मान रहे हैं,
कि भाई जो अच्छे से अच्छे ड्रिंक करेगा, अच्छे से अच्छे पिएगा, यानी एक स्टैंडर्ड, उसमें ब्रांड चलने लगे हैं कई प्रकार के। तो मैं कहता हूं कि नशा किसी भी प्रकार का हो, जीवन के लिए घातक है, जीवन को बर्बाद करता है। हमें एक स्वस्थ जीवन के लिए क्या चाहिए? हमारा तो जीवन ऐसा होना चाहिए, सादा जीवन, उच्च विचार, बस यही है जिंदगी का सार। जीवन अनमोल है, इसे कुछ जगह जिया जाए, बहुत अच्छे से जिया जाए, तो क्यों ना हम अच्छे विचार, व्यवहार और अच्छे आचरण के साथ जीवन को जिए। तो इन चीजों के लिए हमें योग वो सारी चीजें दिलाएगा और हम उससे ही जुड़ेंगे। तो आप योग करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और नशा मुक्त जीवन, प्राकृतिक जीवन जिए। जी जी सर, थैंक यू सर। सर कोई ऐसी योगासन बच्चों को बताइए ना, जी जिनके लिए, बच्चों के लिए कोई योगासन बताइए ना जो इनके लिए उपयोगी हो। अच्छा, योग भी करवाएं, हाँ एक कोई योग करवा दीजिए ना। कुछ आसन वगैरह? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हमें ऐसा लगा कि लेक्चर देना है, बिल्कुल हम जरूर कुछ आसन भी बताएंगे आपको। अच्छा, सभी इसमें स्टूडेंट ही है ना? सब स्टूडेंट है? सभी तो पांच आसन इससे बताएंगे, स्टूडेंटों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए बहुत जरूरी है, वही आसन हम बताएंगे विद्यार्थी जीवन के लिए, जो कितने जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर मन सभी के लिए। तो मुझे देख पा रहे हो? यस सर, यस सर, यस सर। तो ठीक है, देख पा रहे हो मुझे? यस सर, हाँ यस सर। ये ताड़ासन है, इसमें श्वास को भरते हैं और शरीर को ऊपर स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, इससे हमारा शारीरिक विकास होता है। ये सभी संवर्धनात्मक आसन है, इससे रुकी हुई ग्रोथ भी बढ़ती है, बच्चों का शारीरिक विकास होता है ताड़ासन से। ये इसमें हम जितना होल्ड कर सकते हैं शरीर को होल्ड करते हैं। सर आपका फेस फेस नहीं दिख पा रहा है, पूरा दिख नहीं पा रहा है। सर कोई बैठने वाला आसन बता दीजिए, क्योंकि वो, हाँ आप ठीक है सर। यस सर, अब दिख रहा है। ये है ताड़ासन, शारीरिक ग्रोथ के लिए। इसमें श्वास को भरते हुए ऊपर, फिर श्वास को छोड़ते हुए डाउन, धीरे धीरे, फिर इसे हम 5 बार 10 बार रिपीट कर सकते हैं। फिर श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन पीछे की ओर जाते हैं और सांस छोड़ते हुए हस्तपादासन। ये इसमें हमारा माथा घुटने से टच करते हैं, कंप्लीट टच हो जाता है। ये हमारी अनावश्यक पेट में जमी चर्बी को घटाता है, खून को घटाता है और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। और फिर से एक बार देख लो, ये सांस छोड़ते हुए इस तरीके से, इसे हम होल्ड रख सकते हैं 1 मिनट तक। अब हम इसी में आपको एक शीर्ष आसन बता है ना, जो बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है, खाना कि हमारे दिमाग का किस तरीके से विकास। तो
तो हम इस पे शीर्षासन आप ना आप दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ा सा मोबाइल आप थोड़ा नीचे कर लीजिए। दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबल नहीं है। नहीं दिख रहा है। इस तरीके से हमें लॉक करना है, इंटरलॉक फिंगर। फिंगर को ऐसे इंटरलॉक किए, ये शीर्षासन आसनों का राजा कहलाता है। स्टूडेंटों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसमें हम जितना होल्ड कर सकते हैं, एक मिनट दो मिनट हम रुक सकते हैं। इस तरीके से शीर्षासन करते हैं। ये आसन हमारे ब्रेन को उन सेल्स में ब्लड का संचार करता है जहां ब्लड पहुंच नहीं पाता है, और हमारे शरीर के सभी अंगों को पुष्ट करता है, हमारी एकाग्रता बढ़ाता है, दिमाग का विकास करता है। इस शीर्षासन है बच्चों के लिए, हमारी आंखों के लिए हेयर फॉल होता है तो उससे बचाता है, हमारे चेहरे को निखारता है, ओज तेज। और अगर अध्यात्म की बात करें तो ये आसन हमारी कुंडलियों के जागरण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने शुरू में कहा भी था कि आसनों का प्रभाव हमारे शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। अब हम इसी में और दूसरे आसन भी बताते हैं। एक ये होता है लेटकर करने वाला चक्रासन। ये देख पा रहे हो? यस जी सर, देखिए। यस सर, ये चक्रासन है। चक्रासन से हमारे शरीर पे जो पेट है इसका पेट कम होता है, अनावश्यक चर्बी घटती है, बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। देख पाए जी सर, सारे आसन शरीर संवर्धनात्मक है, हमारे शारीरिक मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी, और स्टूडेंटों के लिए खास तौर पे बहुत जरूरी है। अगर हम स्टूडेंट लाइफ है हमारी तो ऐसे आसन हमें करने चाहिए। और आपको बता दें कि योग आसनों की अब प्रतियोगिता होने लगी है, योग को स्पोर्ट में शामिल कर लिया गया है। तो अगर हम अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो योग एक खेल का रूप ले चुका है आसनों में, तो हम बहुत कुछ इसमें आगे कैरियर भी तलाश सकते हैं। और वर्तमान शिक्षा पद्धति न्यू एजुकेशन पॉलिसी में योग को अब शामिल भी किया है और शासन इस पर काफी कुछ काम कर रहा है, तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी आएगी भविष्य में, और आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। योग को जितना अच्छा शरीर को आप अपने आप को बना पा रहे हैं, तो हमने बताया कि योग शारीरिक मानसिक विकास और स्वस्थ तन मन और प्रसन्नचित जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। तो आप योग करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेरी है। थैंक यू सर। आपने पांच
पांच ज्ञान इंद्रियां बताई थी और पांच कर्म इंद्रियां बताई थी, है ना? तो जी सर, ये कौन कौन सी होती है सर? एक रही क्या आसनों में? जी सर, आपने पांच ज्ञान ये वज्रासन है, ये बैठने का, ये एक ऐसा आसन है जिसे हम भोजन के बाद कर सकते हैं, ये पाचन संस्थान को सुधारता है, बहुत अच्छा आसन है। और हाँ, हम आसनों पे कुछ हम बता दें कि आसन को किस समय करना है और किस समय नहीं करना है, वो चीज थोड़ा सा हमने बता नहीं पाया। हमेशा खाली पेट ही करें मॉर्निंग के समय, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर शौचादि से, जिसके बाद ही हम आसन प्राणायाम और ध्यान करें तो ज्यादा लाभ मिलता है। और हमेशा खाली पेट करना है। कुछ आसन जो है जैसे गर्ल्स के लिए वर्जित है कि जैसे शीर्षासन है जो पीरियड के टाइम पर ना करें। अगर किसी के शरीर में किसी प्रकार की व्याधि है जैसे सीजर वगैरह हुआ है तो उस समय ना करें चक्रासन वगैरह। पेट में अगर किसी प्रकार का की कोई समस्या है तो उस समय ना करें, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। और जब भी करें तब योगा एक्सपर्ट से सलाह लें और तभी करें उन्हीं के मार्गदर्शन में। जी, और कुछ प्राणायाम भी बता देते हैं साथ साथ में, बता दे प्राणायाम। हाँ जी, हाँ जी, एक सामान्य से प्राणायाम बता देते हैं जो सभी के लिए है। तो बिल्कुल आप चाहो तो आप भी कर सकते हैं। एक अनुलोम विलोम का हमने बताया है ना, पहले भी बताए थे अनुलोम विलोम। इसमें बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, यानी श्वास को लेना, इनहेल एक्सहेल, हाँ, और उसी क्रम को दोहराना है। कम से कम हमें 3 मिनट तो करना ही चाहिए, 3 से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना ज्यादा अभ्यास होगा फायदे उतने ज्यादा होंगे। और योग एक दिन में सिद्ध होने वाली चीज नहीं है, जब हमको जैसे कि कहा जाए कि 12 जनवरी को ही करना है या योगा डे के ही दिन करना है, ऐसा नहीं है। इसे अपने जीवन में डेली रूटीन में उतार, जैसे भोजन करना जरूरी है वैसे योग हमारे लिए जरूरी है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शारीरिक मानसिक विकास के लिए योग बहुत जरूरी है। इससे हमारा आचार विचार व्यवहार हर चीज में परिवर्तन, आप खुद में महसूस करोगे। ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं है, तो संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र है, जब इसको जानोगे तो बहुत कुछ पाओगे। तो इसे करके महसूस किया जाता है, जब आप डेली करने लगोगे तो खुद में खुद आपको महसूस होगा कि योग कितना जरूरी है जीवन के लिए। और हम इसमें एक ब्राह्मी प्राणायाम होता है, इसमें श्वास को भरा जाता है और एक भौंरे की तरह भंजन करते हुए श्वास को छोड़ा जाता है। हमारे ब्रेन में वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, यानी ब्रेन की सभी तरंगों को खोलता है, एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है जब हम इसको भंजन करते हुए छोड़ते हैं। इस तरीके से भ्रामरी और एक कमल
और एक क्या है कपालभाति क्रिया होती है जिसमें श्वास को से छोड़ा जाता है। एक मिनट में हम इसमें 60 स्ट्रोक जितना यानी शुरुआत में धीरे धीरे करें, जो आप अच्छे अभ्यासी हैं वो फास्ट कर सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे। इसीलिए कपालभाति होता है जिसमें श्वास लेना और छोड़ना होता है, वो भस्त्रिका में लेना और छोड़ना होता है, जो लवार की धोखनी के समान हलचल उत्पन्न करता है। यही हमारे प्राणवायु के लिए, हमारे जीवन संचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लंग्स के लिए। हमें कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं जाएगी, हमें ऑक्सीजन का कंप्लीट पैकेज मिलेगा पूरा, अगर प्राणायाम डेली कर रहे हैं तो कई सारी व्याधियों से मुक्ति मिलेगी। और अब हम थोड़ा सा एक मिनट का ध्यान कर ले मेडिटेशन, तो सब मेरे साथ और एक शांति मंत्र से फिर सेशन को समाप्त करेंगे, ठीक है? चलिए कमर सीधी करें और जुड़े गहरी लंबी श्वास भरना है और श्वास को छोड़ना है धीरे धीरे। आंखें बंद करना है, बंद ही रखना है, कमर सीधी रखें, आती जाती श्वासों पे ध्यान लगाएं, श्वासों की गति सामान्य रखें। तो प्रकृति से हमें अच्छे विचारों को ग्रहण करना है। जब श्वास को छोड़ते हैं तो हम ऐसा महसूस करें कि हम अपने बुरे विचारों को छोड़ रहे हैं, और जब श्वास को ग्रहण करते हैं तो ऐसा लगे कि हम प्रकृति से कुछ अच्छा ले रहे हैं। श्वासों पे ध्यान लगाएं। अब अपने भूहों के मध्य में टीका स्थान पर लगाएं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शांति शांति। दोनों हाथों को मसाज करें और अपनी आंखों पे लगाते हुए पूरी बॉडी को सहलाते हुए स्लोली स्लोली आइज ओपन करें। योग रहे निरोग, करें योग रहे निरोग, योगाभ्यास करें हम प्रतिदिन, अच्छी सेहत प्राप्त करें, ध्यान योग के आलंबन से सब रोगों का नाश करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को नमस्कार। थैंक यू सर ने जो भी बताया है, ठीक है, आपको जो भी जो आसन है आपको लगता है कि आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो आपको उसको करना है, ठीक है। जैसे ओम का उच्चारण हुआ, आलोम विलोम हुआ, ये कुछ चीज है जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो इसको आपकी डेली रूटीन में लाना है। कब करना है, कब नहीं करना है, इन्होंने वो भी बताया है आपको, तो उस पर भी ध्यान दीजिए और फिर आपके जितने भी ये आसन है वो आपको करने हैं, ठीक है? यस मैम। ओके मैम, ठीक है सर। तो फिर हम आपको फिर हमारे जो नए हमारे कैंडिडेट होंगे उनके साथ भी हम आपको फिर बुलाएंगे।
इसी के साथ हम आज का सेशन हमारा वाइंड अप करते हैं. थैंक यू सो मच प्रेमचंद जी. थैंक यू सर, से जुड़ने को मिला आप बिल्कुल, हमें भी मिला. हम भी आपको नेक्स्ट हमारे जब भी ऐसा प्रोग्राम होगा हम आपको डेफिनेटली बुलाया करेंगे. आपने बहुत अच्छी बातें बताई है. हम योग के क्षेत्र में ही कार्य करते हैं, योग की सेवाएं ही देते हैं, तो इसी क्षेत्र में हम बिल्कुल योग ही हमारा जीवन है. थैंक यू, धन्यवाद. ठीक है, धन्यवाद. थैंक यू.